दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑलवेज इफेक्ट्स पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे थंबनेल्स बनाते हैं। दोस्तों ये सुंदर सा मैंने बैकग्राउंड ले लिया, ये देखिए, और इस पे मैं लिख रहा हूँ फाइनल कट प्रो 10, जो कि मैं अपनी बैकग्राउंड में यूज करूँगा इसको और थंबनेल्स के तौर पर डालूँगा। अब इसमें हमने लिखना है हिंदी में कि कैसे हम अपनी वीडियो का नाम चेंज करें, यानी कि बदलें। तो आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत टाइप के फॉन्ट होते हैं, अब ये देखिए ये मैंने इतना लिख दिया यहाँ पे। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये देखना है कि फॉन्ट कौन कौन से हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैंने गायब किया। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है साइड में टैब का, जब आप अपने कीबोर्ड को टैब पे प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है टैब कीबोर्ड के साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना, वहाँ पे आपने प्रेस करना है। तो ये जितना भी एरिया है, यानी कि पूरा का पूरा ये एरिया है, आपका डिलीट हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा, और दोबारा आप टैब प्रेस करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। आइए फॉन्ट चेंज करना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम क्लिक करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको कंट्रोल ए करके, और यहाँ पे मैं फॉन्ट, अब ये देखिए मैं इस पर कर्सर ले जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं इसको यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए मेरे फॉन्ट चेंज हो जा रहे हैं। 676 नंबर ले लिया मैंने। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट होते हैं इस लाइन में, आप कितने भी चेंज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके पास में। ये देखिए कृति के अनगिनत फॉन्ट है, बट अभी जो मैंने फॉन्ट लिया है वो लिया है मैंने 676 नंबर। अब मैं इसको एप्पल टी दबाएंगे हम, और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको हल्का सा माइनस कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत लोगों को दिक्कत आती है इस टाइप से, जो कि ये गैपिंग आ रही है वीडियो में। ये देखिए फॉन्ट में आपके ये थोड़ी थोड़ी गैपिंग आ रही है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है एप्पल टी से, या मैं इस वक्त एप्पल का यूज कर रहा हूँ तो एप्पल टी, आप कंट्रोल टी से भी उसको कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर हमने कर देना है -20। ये देखिए ये गैप आपका इसका ख़त्म हो गया है। अब मैं दिख यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अपनी वीडियो का नाम कैसे बदलें, सिलेक्ट किया और आप मैंने कर दिया एप्पल टी, आप कंट्रोल टी से कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह ये देखिए ये थंबनेल्स बहुत ही सुंदर सा थंबनेल्स बन गया एक, है ना। और यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे यहाँ पर, है ना। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, पर कलर जो चेंज होगा वो सिलेक्ट करके ही होगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये देखो, है ना, तो ये कलर आपका चेंज कर दिया मैंने, है ना। अब यहाँ पे लिखना है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, आर टी के साथ में आपने लेना, और इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, How can change the video clip name? ये देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है, आपने देनी है थोड़ी सी लीडिंग, ये राइट साइड पे लीडिंग होती है ये वाली, यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे एरिया, बट आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए ये आपका सिलेक्ट हो गया, अब आप ये देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा एक आ गया। अब यहाँ से आप चाहते हैं ये एरिया आपका हाईलाइट हो, तो सिंपली सी आपको इस पे जाना है और यहाँ से अपना कोई भी एरिया, थोड़ा सा एरिया यहाँ से कट कर लीजिए, कंट्रोल सी या एप्पल सी और वी मार लीजिए। ये देखिए ये आपका एरिया
इतना सा चेंज हो गया है मैंने, जो कि चेंज कर दिया है। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको राइट क्लिक करके फ्लिप कर देता हूँ, इस टाइप से भी कर सकते हैं आप कंट्रोल टी दबाएंगे और बटन दबाएंगे तो ये क्लॉकवाइज में आपका नॉर्मल ऐसे घूम जाएगा। ये देखिए इस टाइप से आ गया और ये आपके इसमें एक बीच में लाइन आ गई। अब यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर थंबनेल्स बन गया है ये, है ना। आपको एरिया इतना ही रखना पड़ेगा ताकि आपका ये चेंज ना हो सके, है ना। ये वाला ये बन गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो अपनी कोई फोटो डाल सकते हैं, जैसे ये मेरी फोटो है, मैं उठा के इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए और ये मैंने फोटो ये अपनी इस टाइप से पेस्ट कर दी यहाँ पे। फिलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ इसको, तो इस टाइप से डाल सकते हैं आप। तो ये आपका थंबनेल्स बन गया है। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से जाके अगर आप इसको सिंपली सेव एज करते हैं तो फाइल क्या करता है, बहुत बड़ी फाइल बन जाती है वो, जिसको हम छोटा नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप एक्सपोर्ट करेंगे सेव फॉर वेब के लिए। ये देखिए जब आप सेव फॉर वेब के लिए करेंगे तो यहाँ पर JPG या PNG और ZIP फाइल होती हैं, है ना। आप कोई भी फाइल ले सकते हैं, ZIP फाइल भी ले सकते हैं आप, तो इसकी क्वालिटी क्या है, घटेगी नहीं। ये देखिए छोटा करने पे ऐसा लग रहा है, लेकिन जितना आप जूम करेंगे इसकी क्वालिटी पूरी रहेगी। ये देखिए अब इसको हम सेव कर देते हैं। ये देखिए मैं सेव कर रहा हूँ इसको यहाँ पे, और ये मैंने कर दिया 34 FCP10 थंब नेल्स इन फोटो शॉप। तो दोस्तों अभी आपका थंबनेल्स बन चुका है, ये देखिए सुंदर सा, है ना। तो इस तरह दोस्तों मैं अपने थंबनेल्स बनाता हूँ फोटोशॉप में। आपको किसी भी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको काम आता है तो आप फोटोशॉप वगैरह में किसी में भी अपने थंबनेल्स बना सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर, या फिर अपने कमेंट लिख के भेज सकते हैं सब्सक्राइब में, मैं आपकी चीज़ों का ज़रूर जवाब दूंगा और उन पे ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।